नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी पर। क्या आपको पता है भगवान शिव की 3 बहुत खूबसूरत बेटियां भी थी? किसी को नहीं पता ये बात, तो आइए मैं आपको बताता इससे जुड़ी एक कथा। भगवान शिव की 3 बेटियां थी। कम ही लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान शिव की दरअसल 6 संतानें हैं। इनमें 3 पुत्र हैं और इन्हीं के साथ उनकी 3 पुत्रियां भी हैं। इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम भगवान अयप्पा है और दक्षिण भारत में इनको पूरी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। वहीं शिव की 3 पुत्रियों के नाम हैं अशोक सुंदरी, ज्योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मानसा। हालांकि 3 बहनें अपने भाइयों की तरह बहुत चर्चित नहीं है, लेकिन देश के कई हिस्सों में इनकी पूजा की जाती है। इनमें से शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी को देवी पार्वती की सौतेली बेटी माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिकेय की तरह ही पार्वती ने वासुकी को जन्म नहीं दिया था। तो आइए जानते हैं हम पहले अशोक सुंदरी के बारे में। शिव जी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। वह एक पुत्री का साथ चाहती थी। देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बेहद रूपवती थी, इसीलिए उनके नाम में सुंदरी आया। वहीं उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खास तौर पर गुजरात में होती है। अशोक सुंदरी के लिए यह भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने बालक गणेश का सिर काटा था तो वह डरकर नमक के बोरे में छिप गई थी। इस वजह से उनको नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है। शिव जी की दूसरी बेटी थी ज्योति। शिव जी की दूसरी पुत्री का नाम ज्योति है और उनके जन्म से जुड़ी 2 कथाएं बताई जाती हैं। पहली के अनुसार ज्योति का जन्म शिव जी के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभाव मंडल का स्वरूप है। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। शिव जी की तीसरी पुत्री थी मनसा। शिव जी की इस बेटी के बारे में नहीं जानते हैं आप? बहुत गुस्सा आता है इस देवी को। बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। उन्हें सांपों की माँ कहा जाता है, इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती की नहीं। यानी मनसा का जन्म भी कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। बताया जाता है मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता, सौतेली माँ और पति द्वारा अपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफी गुस्सैल वाला था। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा जाता है। चिकन पॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में उनका विधिवत पूजन किया जाता है। हालांकि शिव जी की पुत्रियों के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पुराणों में कई जगह उनका उल्लेख होता है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव जी की 3 बहुत खूबसूरत बेटियां और उनसे जुड़ी कथाएं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।